हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक अपने किचन में छोटा सा कॉफ़ी कॉर्नर तैयार किया है। तो इसमें आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे दो कप्स रख दिए, इसमें कुछ टी बैग्स हैं और ये कॉफ़ी पाउच है। और ये जो केटल है, ऐसे तो माइक्रो ओवन में भी गर्म पानी करके हम कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं, बट ये केटल की याद मुझे आई कि इसके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 2014 में मुझे ये एक टीवी सीरियल में मैं गई थी एज ए गेस्ट आर्टिस्ट, तो रवीना टंडन जी के हाथ से मुझे ये गिफ्ट मिला था उनके एक प्रश्न का जवाब देने पर। तो मैं किसी दिन आपको बताऊँगी इसकी स्टोरी और दिखाऊँगी भी, इसकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगी। और ये मैंने यहाँ पे कुछ कैंडल्स जो लगाए हुए हैं, कभी आपका मन किया तो जैसे लाइट ऑफ करके आप ऐसे कैंडल लाइट पे भी कॉफ़ी पी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, गैस बिजी रहता है, गैस पे कुछ बनता रहता है, तो कोई कॉफ़ी की डिमांड करे तो अचानक से आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अगर आपके पास अलग से ये कॉफ़ी कॉर्नर रहा तो कोई भी अपना कॉफ़ी बना के पी सकता है। तो इसे यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे स्नैक्स रखे हुए, जो ड्राई फ्रूट के डब्बे, यहाँ पे मैंने कुछ स्नैक्स रख दिए। ये मैंने तीन मेरे हनी के बॉटल खाली हुए थे, उसमें मैंने चीनी और मिल्क पाउडर और फिल्टर्ड कॉफ़ी, जो मैं साउथ इंडिया टूर पे गई थी तो मुन्नार से लेके आई थी, बहुत इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये एक बड़ा हनी का बॉटल मेरे पास खाली पड़ा था, उसके ऊपर मैंने ये क्रैकल कलर करके इसके ऊपर मैंने एक पेड़ लगा दिया है। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं क्लॉक बनाने वाली थी, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण जो सामान मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैंने उसको अभी ऐसे ही डेकोरेट कर दिया। इसके ऊपर मैंने प्रिंट आउट निकाल के एक कप की वो लगा दी है, तो एक अच्छा सा लुक दे रहा है। और ये जो है मेरा गैस सिलेंडर है, तो इसको अंदर रखने के लिए इसका कैबिनेट में जगह नहीं है, सेल्फ जो इसके छोटे हैं तो ये बाहर ही पड़ा रहता है, तो मुझे बड़ा ऑड सा लगता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक गमला लगाया हुआ है। तो इस तरह से भी मैं इसको ऐसे जैसे मैंने दिखाया, तो आप कर सकते हो अपने किचन को डेकोरेट। कभी कभी क्या, एक जैसा ही देखते देखते मन भर जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ मेरे फालतू डब्बे, ये मेरे ऑयल के जो लंबे वाले बॉटल इसमें रह जाते हैं, कुछ फालतू ये प्लास्टिक के बॉटल सारे मुझे फेंकने हैं लॉकडाउन के बाद। और यहाँ पे मेरे एक पास सूप बॉल पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने लगा दिया हुआ है मनी प्लांट। आपको लग रहा होगा मैंने सब जगह पेड़ पौधे लगा दिए हैं, मुझे ऐसे पेड़ पौधों का बहुत शौक है, और थोड़ा ग्रीनरी दिखता है ना तो अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास देखिए, मेरे किचन के बाहर भी मेरा गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे मेरा गार्डन है, गार्डन एरिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये चार डब्बे, ये मेरे पास भी एक दिवाली गिफ्ट में आया था, इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स था, तो ये डब्बे ना पुराने हो गए थे, तो मैंने इसके ऊपर भी डिकोपाच किया हुआ है। एक तो डिकोपाच पेपर से किया हुआ, दूसरा प्रिंट आउट पेपर, ऐसे कलर्ड जेरॉक्स निकाल के मैंने इसके ऊपर चिपकाया हुआ है, तो आप इसे भी बना सकते हो। जो मेरे हमेशा यूज़ करने वाली चीज़ें जो मुझे हमेशा चाहिए होता है वो मैंने यहाँ रखा हुआ है, बाकी का सारा सामान मैंने अंदर रखा हुआ है सेल्फ में, क्योंकि जितना किचन में आप सामान रखोगे उतना ही गंदा होगा, उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। तो आपके पास किचन में जो भी पड़ा है उसको ही आप थोड़ा सा इधर उधर करके आप ये थोड़ा सा नया लुक दे सकते हो। तो ये जस्ट अपना आइडिया लगाना है कि कैसे हम इसको रिनोवेट करें। तो ये एक अच्छा सा सुंदर सा लुक भी हो गया है। ये जो दो छोटे अलमीरा है मेरे पास पड़े हुए थे, जब घर का रिनोवेशन हो रहा था तो सब ने बोला कि इसको फेंक दो, निकाल दो, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इसमें फालतू सामान आ जाएगा अंदर, मैंने फालतू सामान रख दिया है। और इसके ऊपर एक के ऊपर मैंने माइक्रो ओवन रख दिया है, और एक के ऊपर मैंने ये मेरा कॉफ़ी हाउस सेट कर लिया है। तो क्या होता है, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होता है, गैस में कुछ काम चल रहा हो तो आप अपना कॉफ़ी बनाओ पी लो। और ये है मेरा फ्रिज, इसके ऊपर भी मैंने गणपति जी रखा है, और एक सुंदर सा मेरे पास पॉट पड़ा हुआ था, तो इसमें क्या रखूँ समझ में नहीं आया, तो मैंने इसके ऊपर भी मनी प्लांट लगाया हुआ है। ऐसे तो मेरा किचन बहुत बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से सामान भी ज़्यादा है, तो मैंने इस तरह से कुछ एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है मेरा ये कॉर्नर, क्योंकि यहाँ से बाहर से भी मुझे ग्रीनरी दिखाई देती है, और यहाँ पे मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अपना थोड़ा सा माइंड चेंज करके, थोड़ा सा अपना
इनोवेटिव आइडियाज़ लगा के घर को आप सुंदर बना सकते हो, जैसे मैंने किया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाके, या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। और लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि बॉटल डिकोपाज, ये देखिए मैंने एक लगाया हुआ है, न्यूज़पेपर से मैंने किया हुआ है, तो सॉस की बोतल पे, टोमेटो सॉस की बोतल पे मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। चलिए आइए बोतल कैसे बनाते हैं देखते हैं। हाँ, बोतल में न्यूज़पेपर डिकोपज करने के लिए हमें चाहिए कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े, एक ग्लास बोतल, ग्लास या प्लास्टिक बोतल, फेविकॉल, अगर आपके पास मॉडपॉज ग्लू है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो फेविकॉल से भी कर सकते हैं। फेविकॉल में थोड़ा सा हम पानी मिक्स कर देंगे, इस तरह से बॉटल के ऊपर, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपको अगर कलरफुल चाहिए तो आप न्यूज़पेपर के जो कलरफुल वाले पोर्शन होते हैं, कलर्ड पोर्शन को आप कट करके रख लीजिए। अगर आपको एज़ इट इज़ प्रिंटेड वाला पोर्शन चाहिए तो आप उससे भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो बॉटल किया था उसमें मैंने मिक्स करके दिखाया था, एक प्रिंट वाला लगाया था, एक ग्रीन कलर का लगाया था। इसमें कोई रूल नहीं है, आपको जहाँ से भी जैसा भी लगे आप इसको चिपकाते जाइए। लेकिन चिपकाने के बाद भी इसमें अच्छी तरह से फेविकॉल का एक लेयर लगाना है। इस तरह से आपको पूरे बॉटल में चिपकाना है। जब पूरी तरह से ये सूख जाए, पूरा राउंड ऐसे ही पूरे राउंड करके आप पूरे बॉटल को कंप्लीट कर लीजिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाए उसके ऊपर एक कोट और आप फेविकॉल या मॉडपॉच लगा दीजिए, तो ये वाटरप्रूफ हो जाएगा, फिर इसको आप वॉश भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैंडल बनाते हैं और डिकोपाज भी कैसे बनाते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।